नमस्ते, स्वागत है आपका लेसन नंबर 15 में, जिसमें आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं, जो कि है आरपीजीओ। आरपीजीओ क्या बोला है भाई? आरपीजीओ है, आपको कॉर्ड्स मालूम है? कॉर्ड्स मतलब दो या दो से अधिक नोट को जब इकट्ठा एक साथ बजाते हैं तो कोई पर्टिकुलर कॉर्ड होता है। लेकिन आरपीजीओ मतलब ब्रोकन कॉर्ड्स। आरपीजीओ को आप ब्रोकन कॉर्ड्स भी कह सकते हैं, जिसे आप कॉर्ड्स को या फिर लेफ्ट हैंड में अकंपनी के लिए टुकड़ों में नोट्स को प्ले करते हो। जैसे मान लीजिए तीन नोट्स हैं, तीन नोट्स का ग्रुप है 1 2 3, ये हो गया सी शार्प मेजर कॉर्ड। लेकिन सेम इसी कॉर्ड को अगर आप ऐसे बजाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसे हम कहेंगे ब्रोकन कॉर्ड्स या आरपीजीओ। तो इसे हम आरपीजीओ कहेंगे। आरपीजीओ बेसिकली आप, जैसे कि मैंने बताया, आप कॉर्ड्स को टुकड़े करना, बेसिकली अगर आसान भाषा में समझाऊं तो एक ही कॉर्ड्स का जो भी स्पेसिफिक कॉर्ड्स है अगर उसे हम टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, तो आरपीजीओ होता है। आरपीजीओ बेसिकली कीबोर्ड में ही अकंपनीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। राइट हैंड में हम जो भी मेलोडी बजाते हैं, तो बेसिकली इसे हम लेफ्ट हैंड में, अभी मैंने अकंपनी के लिए आरपीजीओ बजाया। अगर सेम मैं ऐसे बजाऊंगा तो ये कॉर्ड मैंने बजाया, या फिर सी शार्प का जो रूट मैंने वो पकड़ के रखा, सेम इसी को मैंने ऐसे बजाया तो अब, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत बिना टाइमिंग के बजाया, मैं कभी भी, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो बेसिकली इसकी सही तरीके से प्रैक्टिस भी करनी चाहिए और सही तरीके से अकंपनीमेंट भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने अकंपनीमेंट की आरपीजीओ से। आरपीजीओ का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि बहुत ही एक आसान आरपीजीओ मैं आपको अभी बताता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको मीनिंग आपको पता चल गया आरपीजीओ किसे कहते हैं, अब आपको स्टार्ट कैसे करना है वो बताता हूँ। राइट हैंड में आपको स्केल्स पता है, किसी भी स्केल का फर्स्ट नोट 2 3 4 5, देन फिफ्थ नोट, देन 6 7 8, एट नोट पहला नोट, पांचवा नोट एवं आठवां नोट आपको एक एक करके बजाना है 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब कुछ यूं 1 2 3 4, या फिर किसी भी स्केल का, सब में सेम रूल है। मान लो सी मेजर स्केल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 5 8 5 1 5 8 5 सा प सा प। बेसिकली अगर आपको शास्त्रीय क्लासिकल में बताऊं तो आपको मेन सा से सा मिलाना है और बीच में पा, तो पहला नोट और लास्ट का नोट सेम हो जाएगा। मतलब मान लो आप अगर डी शार्प बजा रहे हो तो डी शार्प पहला हो गया और लास्ट का डी शार्प हो गया, और बीच में उसका पांचवें नंबर पे जो नोट आता है कुछ यूं। तो आप किसी भी स्केल में कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इस तरीके से यूं बजा सकते हो। आप इसकी सभी स्केल के ऊपर प्रैक्टिस करिए, सभी की सभी स्केल्स का आरपीजीओ ढूंढिए। और बेसिकली आपको एक बता दूं, माइनर स्केल्स में खाली बीच वाला नोट बदल जाता है, बाकी इसका जो सा से सा तो वही रहेगा। तो यूं कुछ इस प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस करें, राइट हैंड में आरो आरो बजाएं सबसे पहले, फिर हमारी जो सबसे शुरुआत में हमने एक्सरसाइज करी थी वो करिए, फिर गानों के ऊपर जाइए। तो इस प्रकार से आरपीजीओ के कॉन्सेप्ट को आज हमने सीखा। अगले लेसन में भी हम इसकी चर्चा करेंगे, नए नए पैटर्न को समझेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और इसी प्रकार से कीबोर्ड को सीखते रहें। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे के जाके फिर से देख सकते हो और उसे सीख सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।